हाय, सो इस वीडियो में मैं समझा रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या एक नया शब्द आ गया है और हमेशा की तरह इसको तमिलनाडु लेकर आ रहा है इसी साल मे बी फॉर MBBS सीट्स। तो एज वी नो इंडिया में वी हैव जनरल सीट्स SC, ST, OBC, जनरल EWS, जनरल PH, OBC PH, जनरल डिफेंस एंड मैनी अदर कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब जो तमिलनाडु ने कोशिश करी है लाने की, ला रहा है और एक बार ले आएगा तो आई एम श्योर अदर स्टेट्स भी कॉपी करेंगे, वो ये है अब न्यू वर्ल्ड कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। देखिए, जब EWS लाया गया था द पर्पस वाज इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिनकी एनुअल इनकम फैमिली 8 लाख से कम होती है, और ये माना गया था कि ये सारे बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो स्टेट सरकार सोच रही है कि एक और रिजर्वेशन लाया जाए जिसमें फोकस किया जाए सिर्फ इनको। उसका कारण क्या है? देखिए, सच्चाई तो यही है, और चलो इसी बहाने में ये इसी वीडियो में जिक्र करता हूँ कि तमिलनाडु क्यों लाता है और तमिलनाडु शुरू से ही नीट का विरोध क्यों करता है। तो शायद आपको नहीं पता होगा जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट फॉर मैनी ईयर्स हैव बीन वेरी वेरी डेमोक्रेटिक इन दैट मैटर। वो समझते हैं कि जो रियली गरीब बच्चा है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और जिस घर के तबके से वो आता है, जो उसे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कोचिंग इज़ नॉट दी ओनली थिंग, इज अबाउट ईटिंग एंड एटमॉस्फेयर एट होम, एयर कंडीशनिंग इन होम, उन सब की वजह से एक ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में तो इनका चांस बहुत मुश्किल है। तो तमिलनाडु ने नीट से पहले क्या कर रखा था, यू माइट बी सरप्राइज्ड, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिजर्वेशन था कि इस डिस्ट्रिक्ट में से हमें इतने बच्चे लेने हैं। उससे क्या होता था, बहुत ही इक्वल डिवीजन होता था अक्रॉस तमिलनाडु, और कुछ गरीब पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर कोई शायद पब्लिक स्कूल होता ही नहीं था, वहाँ के बच्चे लोकल सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में कम्पीट करते थे। तो जब आप फॉर्म भरते थे पेपर के बाद, यू एक्चुअली यूज टू गेट काउंसल्ड बेस्ड ऑन योर डिस्ट्रिक्ट। तो उससे ना बहुत एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हो जाता था डॉक्टर्स का। तो ऑफ कोर्स देर वॉज नो स्टैंडर्ड मेरिट। तो चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में अगर हम नीट के स्कोर की बात करें तो बच्चों को 600 नंबर पर एडमिशन मिल रहा होगा, और कहीं बहुत दूर 400 नंबर पे भी मिल रहा होगा गवर्नमेंट सीट, क्योंकि वो स्टूडेंट है वो रिमोट एरिया में रहता है और उसे उस बात का बेनिफिट दिया जा रहा है कि जो आपको वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती या अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, अच्छा घर का माहौल नहीं मिलता, खाना पीना अच्छा नहीं मिलता, तो चूंकि वो हटा दिया गया है नीट की वजह से, तो इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट टू ब्रिंग दिस, और शायद ये इसी साल आ जाएगा। तो बैड सिचुएशन फॉर तमिलनाडु स्टूडेंट्स ऑफ 85% स्टेट कोटा। तो उनके टोटल सीट में से 7.5% सीट दे दी जाएंगी अक्रॉस कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में अगर लेट्स से अबाउट 500 सीट्स हैं पूरे तमिलनाडु में, तो उसका 7.5% निकाल दिया जाएगा और एक अलग मेरिट बनेगी सिर्फ इन बच्चों के लिए जिनकी 11th 12th सरकारी स्कूल से हुई है। सो आई थिंक दिस इज़ अ न्यू रिजर्वेशन इन इंडिया, मे बी इट्स अ कॉम्पनसेशन ऑफ दिस। इसका जो पर्पस था वो पर्पस शायद पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहा, बिकॉज मैनी बिजनेसमैन इन इंडिया डजंट फाइल रिटर्न फॉर मोर देन 6 लाख, जो भी इनकम टैक्स की लिमिट होती है। तो ये अच्छे बच्चे ये सब सीटें ले जाते हैं जिस पर्पस के लिए लाया गया था, तो उसकी काट करने के लिए ये लाया जा रहा है और इसको हॉरिजॉन्टल बनाया गया है। तो इट इज़ नॉट ओनली अ पर्टिकुलर कैटेगरी, OBC में से भी, ST में से, ST में से भी वो बच्चे निकाले जाएंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। तो एज ए सेट, रिजर्वेशन कभी कभार फ़ायदेमंद होती है, कभी कभार नुकसानमंद होती है, दैट्स ओपन टू डिबेट। इस रूल का पर्पज़ यही है कि जो लोग एक्चुअली में ये हैं उनको बेनिफिट दे दिया जाए। और कई रूरल एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ कोई पब्लिक स्कूल होता ही नहीं है, तो वो बच्चा तो अपने घर में पढ़ रहा था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, गरीब है, एक रियली किसान का बच्चा है, वो क्या करे। तो शायद इस रिजर्वेशन के माध्यम से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि ये तमिलनाडु क्या नया रूल लेकर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है। शायद ये फिर फैल जाए पूरे इंडिया में अगर यहाँ सक्सेसफुल हो गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।